Realme X2 स्टॉक कैमरा वर्सेस GCam वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो टेस्ट के अंदर मैं बहुत से फोटोग्राफ दिखाऊंगा जहां पर कुछ जगह पर आपको स्टॉक कैमरा काफी अच्छा मिलेगा, कुछ जगह पर आपको GCam भी अच्छा मिल जाता है। तो GCam के आने के बाद आपको कितना बढ़िया जो है परफॉर्मेंस मिलता है, फोटोग्राफी के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट मिलती है, क्या चीज़ देखने को मिलती है, उन सारे टेस्ट में यहीं पर दिखाऊंगा। काफ़ी सारे जो यहाँ पर फोटोग्राफ फोटो टेस्ट में यहाँ पर दिखाऊंगा, जिसमें कुछ फोटोग्राफ जूम करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर इंडोर आउटडोर लो लाइट धूप छांव फ्लैश लाइट और नाइट मोड में भी कितना जो डिफरेंस मिलता है GCam और स्टॉक कैमरा में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद GCam और स्टॉक कैमरा में कुछ अलग बेनिफिट जो भी कैमरा में मिलते हैं, क्या अलग फंक्शन फीचर्स मिलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अतुल डोबरिया। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर बात करें पहले यहाँ पर नेचुरल टोन की या कुछ कलर टोन की बात करें तो कितना फर्क स्टॉक कैमरा GCam में मिल सकता है, तो GCam में आपको काफ़ी हद तक जो है नेचुरल पिक्चर्स मिलती है। जैसी आंखों देखिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर का फ्लावर सा आप देख सकते हो, काफ़ी गाढ़ा X2 है। यहाँ पर क्रॉप करके भी लगा रहा हूँ, जहाँ पर GCam जो है काफ़ी हद तक नेचुरल पिक्चर्स दे रहा है, इस चीज़ का आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। दोनों में काफ़ी बढ़िया जो है फ़र्क मिलता है, एक में कलर टोन भी काफ़ी बढ़िया मिलता है, एक में काफ़ी हद तक नेचुरल टोन मिलती है GCam में। यहाँ पर कुछ नेचुरल फ़ोटो की बात करें तो कलर टोन के साथ X2 अच्छा है, वहाँ पर नेचुरल GCam में। फ्लावर्स की बात करो तो यार दोनों में काफ़ी बढ़िया है, कलर टोन के साथ दोनों में इतना डिटेलिंग में फ़र्क मिलता है। बहुत ही छोटा सा एक रोज़ फ्लावर्स है, उसे भी मैं यहाँ पर क्रॉप करके लगा रहा हूँ तो GCam में बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग मिल जाती है। फ्लावर्स की हर एक पंखुड़ी आप आराम से गिन सको, उतनी मतलब डिटेल में आपको पिक्चर्स मिल जाती है। एक और रोज़ कलर का रोज़ फ्लावर्स हम लेते हैं तो यहाँ पर भी डिटेलिंग में फ़र्क मिलता है, कलर टोन में काफ़ी हद तक फ़र्क मिलता है, तो डिटेलिंग के साथ दोनों में इतना बढ़िया मिल जाता है। अगर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स तो काफ़ी नेचुरल GCam के अंदर, वहाँ पर स्टॉक में कलरफुल। अगर हमारी कुछ फोटोग्राफी बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दोनों में मिल जाती है। एक में लाइट के साथ ब्यूटिफिकेशन काफ़ी अच्छी मिलती है X2 में, जहाँ पर GCam थोड़ी सी ओवर डार्क स्पॉट हमें दिखाता है, तो आप देख सकते हो चेहरे पर थोड़े डार्क स्पॉट मिल जाते हैं। वहीं पर पोर्ट्रेट की बात करो तो यार GCam में आपको उतना बढ़िया पोर्ट्रेट बैकग्राउंड ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर आपको X2 में काफ़ी बढ़िया जो है बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है, तो पोर्ट्रेट में इतना फ़र्क मिलेगा। बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही उस कंडीशन में फोटोग्राफ। अब बात करते हैं तो सेल्फी की, तो सेल्फी में यार काफ़ी सारे लोगों को यार लगता था कि 32 मेगापिक्सल में उतनी डिटेलिंग नहीं मिलती है, तो उस समय आपको GCam यूज़ करने से काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। तो GCam में बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है देखने को भी। क्रॉप करके इमेज लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी मिलती है GCam में, लेकिन थोड़ी सी डार्क स्पॉट ज़्यादा मिलती है। वहाँ पर काफ़ी ब्यूटिफिकेशन के साथ X2 भी आगे है, तो दोनों में आप देख सकते हो एडिटिंग करने की पिक्चर्स को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोर्ट्रेट की बात करो तो यार सेल्फी में भी आपको उतना बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर GCam के अंदर नहीं मिलेगा, जहाँ पर X2 में स्टॉक कैमरा में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट्स इस कंडीशन में GCam आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगी, उस समय बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें वो भी विजिबल हो जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया मिलता है। पोर्ट्रेट का भी आपको सपोर्ट जो यहाँ पर भी मिलेगा नहीं। अगर नेचुरल की बात करें यार नेचुरल टोन कुछ पुदीने के पत्ते वगैरह तो कुछ इतना जो कलर टोन में फ़र्क मिलता है, लेकिन दोनों के अंदर आपको जो है कलर टोन चेंज करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है। एक्सपर्ट मोड ये यहाँ पर एक प्रो मोड टाइप का, तो यहाँ से आप जो है कलर टोन काफ़ी चेंज कर सकते हो। पहले वार्म था, अभी आप चाहो तो कूल कर सकते हो, यहाँ पर और भी ज़्यादा कूल दोनों के अंदर आराम से जो है कर सकते हो, तो इतना आपको डिटेलिंग कलर टोन में फ़र्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पर X2 में अगर GCam की ज़रूरत ना हो तो आप नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हो नेचुरल पिक्चर्स ले सकते हो, उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा कलर टोन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से 10-12 आप इमेज अलग अलग कलर टोन में ले सकते हो। अगर जूम टेस्ट की बात करें दोनों के अंदर यार स्टॉक कैमरा वर्सेज GCam, तो आप देख सकते हो इतना कलर टोन में फ़र्क होने की वजह से कितना हमें जो है दूर जूम टेस्ट करने के बाद कितनी रिजल्ट्स मिलती है यह भी पता चल जाएगा। 2x जूम में इतना रिजल्ट्स मिलता है, वहाँ पर नेचुरल टोन के साथ 4x जूम में भी इतना रिजल्ट्स मिलता है। यहाँ पर मैंने दोनों मोबाइल के अंदर 8x जूम लगा दिया तो आप देख सकते हो इतना रिजल्ट्स मिलेगा। 10x जूम के अंदर यहाँ पर X2 में कलर टोन की वजह से अच्छा पिक्चर्स मिल जाएगा। रात के समय इंडोर LED लाइट्स में तो आप देख सकते हो X2 थोड़ा सा पिक्चर्स को एक्सपोज कर रहा है, चेहरा वगैरह जो है थोड़ा सा लाइट ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर GCam ने काफ़ी मेंटेन किया है लाइट को, काफ़ी अच्छे से जो है एक्सपोज कर रहा है। यहाँ पर एक नॉर्मल लो लाइट की फोटोग्राफ है, फिर मैंने दोनों मोबाइल के अंदर यहाँ पर नाइट मोड ऑन कर दिया तो आप देख सकते हो GCam के अंदर नाइट मोड एकदम नेचुरल मिलता है,
दोनों मोबाइल के अंदर ऑटो फ्लैश क्लिक किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट, थोड़ी सी एक्सपोजर में मिलती है पिक्चर्स ऑटो के अंदर, लेकिन लाइट थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी स्टॉक के अंदर। यहाँ पर सेल्फी की बात करो तो लो लाइट में यार सेल्फी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो जी कैम की। जी कैम में आपको काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग मिल जाएंगी फेस पर या फिर आजू बाजू में जो भी बैकग्राउंड है वहाँ पर, दोनों में डिस्प्ले फ्लैश का आपको जो है सपोर्ट मिल जाएगा, तो इतना कलर टोन में थोड़ा सा फर्क मिलता है। आउटडोर स्ट्रीट लाइट फोटोग्राफी की बात करो तो पहले यहाँ पर नॉर्मल थी, दोनों के अंदर नाइट मोड ऑन कर दिया तो X2 में पिक्चर्स चेहरे पर थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है नाइट मोड के अंदर, स्ट्रीट लाइट में वहाँ पर GCam काफ़ी मेंटेन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग का नॉर्मल फोटो है, इतनी लो लाइट कंडीशन थी, वहाँ पर दोनों मोबाइल के अंदर मैंने नाइट मोड ऑन कर दिया तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक नेचुरल टोन, काफ़ी लाइट वाला। यहाँ पर छत पर लगी फ्लोरिंग भी आप देख सकते हो नाइट मोड के अंदर, तो GCam के अंदर आप यहाँ पर फ्लोरिंग की गिनती भी कर सकते हो, उतनी अच्छी लाइट हमें मिल जाएगी। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें और लो लाइट में आउटडोर में तो यहाँ पर X2 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप देख सकते हो। फिर दोनों के अंदर मैंने नाइट मोड ऑन कर दिया तो काफ़ी डे लाइट जैसी पिक्चर GCam में मिल जाती है। यहाँ पर GCam का मैं एक एक्स्ट्रा शॉट दिखा रहा हूँ नाइट मोड का, तो काफ़ी बढ़िया डे लाइट जैसी बहुत ही अच्छी लाइट, फ्लैग सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है, जहाँ पर लो लाइट में GCam बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगर स्टॉक कैमरा की बात करो तो वहाँ पर आपको स्पेशली अल्ट्रा एक 64 मेगापिक्सल का फंक्शन मिल जाएगा, साथ में मैक्रो मोड मिलता है, एक्सपर्ट मोड काफ़ी अच्छे से मिलता है जहाँ से वाइट बैलेंस आप जितना चाहो कूल या वार्म कर सकते हो। लेकिन GCam के अंदर अगर बात करें प्रो मोड जैसे कुछ कलर टोन चेंजेस की तो वहाँ पर आपको क्लाउडी, मैग्नेटिक कुछ ऐसे ही जो है नॉर्मल और नेचुरल कुछ अलग अलग कलर टोन मिलते हैं, बस उसके अलावा वाइट बैलेंस आप सेट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर बात करो स्टॉक कैमरा की तो आपको वहाँ पर मैक्रो मोड एक अच्छा सपोर्ट मिलता है जिससे आप मैक्रो फोटोग्राफी कर पाओगे, साथ में बोके वीडियो इफेक्ट जो एक्स्ट्रा स्टॉक कैमरा के अंदर मिल जाती है। अगर GCam के कुछ बेनिफिट की बात करें तो वहाँ पर आपको नाइट मोड लो लाइट के अंदर बहुत ही अच्छा पिक्चर्स मिल जाता है। अगर आप कलरफुल फ्लावर वगैरह की जो है फोटोग्राफी क्लिक करते हो तो उस समय आपको GCam काफ़ी बढ़िया डिटेल में पिक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे आपने रोज़ फ्लावर्स वगैरह जो मैंने यहाँ पर कुछ एक जो आपको फोटोग्राफी दिखाए उस तरीके के काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ आपको GCam में मिल जाएंगे। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन। अगर और कोई सवाल हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।